दोस्तों की दावत है आज रात, खाना पकाना नहीं भूलना। तुम इसी बिल्डिंग में रहती हो ना? मैंने अक्सर तुम्हें आते जाते देखा है। जी वो C10। C10 में? अच्छा चलो उठो, शाबाश, मेरे साथ चलो, उठो चलो। अब वो लोग बाकायदा मंगनी करना चाह रहे हैं। वो लोग कौन? आमिर के घर वाले। किसकी मंगनी करना चाह रहे हैं? आमिर की और किसकी? क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? तारीख मांगी उन्होंने। आपने हाँ तो नहीं करती? नहीं, घर वालों सलाह मशवरे के बगैर मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ? हाँ तो आप सलाह मशवरे के बाद भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये क्या बात हुई, शादी नहीं करनी थी तो फिर जाके बैठी क्यों थी उनके सामने? तो मम्मी ने मजबूर कर दिया था, तो अब मम्मी शादी के लिए भी मजबूर कर देंगी। अली तुम तो कुछ बोलो, ऐसा लग रहा है किसी अजनबी की बात हो रही है। मैं क्या बोलूं, खुद क्यों नहीं कुछ कहा भाई, घूमी क्यों हो गई थी? कह देती कि आगे पढ़ना है तुम्हें। कह तो रही हूँ, मम्मी को देखकर चुप कर जाती थी। मम्मी को देखकर चुप कर जाती थी, अपने उनको देखकर चुप कर जाती थी। अली चुप करो, मैंने जो तुम्हारी कार है वो खालो तुम्हारे हाथ पर रख दूंगी। अच्छा रेबू ने मुझसे एक प्राइवेट बीए का फॉर्म मंगवाया है, ऐसे करता हूँ एक तुम्हारे लिए भी ले आता हूँ, दोनों एक साथ इम्तिहान दे देना। मेडिकल छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं लस्सी लेकर आऊंगा। चुप कर जाओ। मैं जहर भी ले आता हूँ, दम भी ले आता हूँ। जज्बाती बातों का कोई फायदा नहीं है। सलमा अब तुम कुछ पकाना रीझना सीखो, समझी? ठीक है उनके घर में नौकर चाकर है, लेकिन लड़कियों को खुद भी सब कुछ आना चाहिए। सीधा सा एक ही काम करूंगी, आमिर को फोन करूंगी और उसे मना कर दूंगी। वो बुरा मानिया भला। चलो बिस्मिल्लाह, फौरन करो फोन। नहीं, उसके माँ बाप क्या सोचेंगे भाई? देखो या तो उसको आगे पढ़ने की इजाजत दे देंगे या इतनी बदतमीज बहू की छुट्टी कर देंगे। दोनों छुट्टी का फायदा ऐसी कही है, क्यों? अब क्या किया जाए, दो दो चीजें, शादी और मेडिकल की पढ़ाई, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। हाँ हाँ, वरना तुम्हारी तो पहली कोशिश यही होती ना कि दोनों चीजें एक साथ चलाओ, शादी और मेडिकल की पढ़ाई। अली जो तुम्हारे मुंह में आ रहे हो तुम बोले चले जा रहे हो। ये तुम्हारे बुआ के मजाक सिर्फ जेबी बर्दाश्त करती थी, मैं नहीं कर सकती था माइनस। हाँ तो और क्या, सिर्फ जेबी बर्दाश्त करती थी तुम्हारे बुआ के मजाक। चाहता भी तो सबसे ज्यादा उसी को है, ये बदल भी गई है जबकि इतना शादी के बाद। देखो जब शदीद जिम्मेदारी आ जाती है ना तो अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। हाँ देखिए बातें भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, शादी के बाद समझोगी तुम। मेरी बहुत शादी हो चुकी है, पांच छह बच्चे भी है, क्या कर लोगी तुम? एक समाज मारूंगा यहाँ से, बैठो नहीं आऊंगा, मैं रस्सी से बांध दूंगा तुम्हें। घर से क्यों भाग रही? नहीं मैं तो अम्मी क्या जा रही थी, मियां को बताया बगैर। उन्हें पता है तो फिर वो खुद क्यों नहीं छोड़ने गया तुम्हें? वो बहुत मसरूफ है, उनके पास टाइम नहीं है। तो बेटा डर के भागना कोई अकलमंदी नहीं, अगर कोई मसला है तो उसका हल निकालो। आपको कैसे पता मैं घर से भाग गई थी? कोई और वजह भी तो हो सकती है। अरे वजह कोई भी हो लेकिन भाग तो रही थी ना, बहुत नाराज हूं मैं ऐसे। क्या तुम उससे खुलकर बात क्यों नहीं करती? हालात काबू में नहीं आ रहे, सबा भी मुझे यही समझाती है घबराने से कुछ नहीं होगा। सबा को? वही जो हमारे अपार्टमेंट में पहले रहती थी, आपसे भी तो मिलने आती है।
मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। मेरे ख्याल में तुम कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं, वो तो आपका बहुत जिक्र करती है, बल्कि आपको बहुत चाहती है। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है। मेरी उम्र की है, बाल जरा उलझे उलझे से हैं, खूबसूरत भी है। आपको याद क्यों नहीं आ रही? दरअसल जिस सभा का तुम जिक्र कर रही हो मैं उसे नहीं जानती, और जिस सभा को मैं जानती हूँ तुम उससे कभी नहीं मिल सकती। वैसे भी मुझसे बहुत खफा है, वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अगर वो तो एक ही सभा है। अच्छा, अब किसी आए ना तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। अच्छा। देखो बेटा, किसी चीज से भागने से कोई मसला हल नहीं होता है। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा चलो, अब उठो और घर जाओ। कुछ भी करो भाई, बहुत चमक गई। नहीं भाई, बीवी का मूड सही नहीं था, किसी बहाने तो उसको खुश करना है ना। ये शक्ल लेके जाओगे नाराज बीवी के सामने? भूतों जैसी। घर जाके मुंह धो। नहीं भाई, अब जो कुछ होगा घर जाके होगा। जी नहीं, मोटरसाइकिल पे बैठने ही कुछ आदाब होते हैं। अरे हाँ, हेलमेट भी तो खरीदना है। खरीद लेना हेलमेट, पहले जरा खोपड़ी को हवा लगने दो। हटो हटो। यार ऐसे ऐसा करूंगा कि घर जाऊंगा अभी, हाँ, और उसको नहीं बताऊंगा, एकदम उसको सस्पेंस सरप्राइज दूंगा। कैसा? कुर्बान जाऊं तेरे खाबों के। कैसा लग रहा? जबरदस्त। हटो 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 हटो। आने वाली थी तुम आ गई, अच्छा हुआ। अच्छा बताओ, बात कहाँ तक पहुँची? एक मिनट, सांस तो लेने दो। अब सुनो, मैं आमिर के ऑफिस जा रही हूँ उसे मंगनी से मना करने के लिए, तो मेरे साथ चलो। पागल हो गई हो? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? थोड़ा सब्र कर लो। जल्दबाजी मैं नहीं कर रही, वो लोग कर रहे हैं। अभी मंगनी करना चाह रहे हो, फिर एकदम शादी? तो तुम क्या चाह रही हो? डॉक्टर बनना। देखो आमिर जो है ना, वो बहुत समझदार बंदा है, वो मेरी बात समझ जाएगा, उसे कोई और लड़की मिल जाएगी, और वैसे भी कौन सा वो मेरे इश्क में पागल हो रहा है। तो क्या हम दोनों जाएंगे? जी, वैसे जाने को तो मैं अकेली भी जा सकती हूँ। अकेली? पागल हो गई हो? बेवकूफी की बात मत करो। अच्छा कब जाना है? आज, अभी।